हाय गाइस, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप लोग स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो को एडिटिंग कैसे कर सकते हैं लाइक मेरे जैसा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सो मेरे जैसा वीडियो एडिटिंग करने के लिए गाइस आप लोगों को कुछ इस तरह से एक इमेज बनाना होगा। इसको बनाने के लिए आप लोग को सबसे पहले आप लोग को अपना पिक्सल ओपन करना है और यहाँ पर मैं इसी का इमेज का लिंक आप लोग को दे देता, लेकिन यहाँ पर हर मोबाइल का स्क्रीन छोटा बड़ा होता है, इसीलिए आप लोग को अपना स्क्रीन रिकॉर्डिंग का जो स्क्रीन शॉट लेना है उससे मतलब आप लोग को स्क्रीन का, उसके बाद यहाँ से आप लोग को यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ इमेज साइज पर क्लिक करना और यहां से आप लोग को एक साइज चूज करना है, यहां पे 7680 और यहां पे आप लोग को लिखना है 4320। उसके बाद यहां ओके पे और जो अभी आपने स्क्रीन शॉट लिया था सबसे पहले इसका कलर सेलेक्ट करते हैं, यहां कलर पे क्लिक करना है। उसके बाद यहां ग्रेडियंट पे, उसके बाद ये वाला कलर आप लोग को रखना है। आप लोग अपने हिसाब से यहां प्लस वाला आइकन पे क्लिक करके आप लोग को जो भी अच्छा लगे ना वो यहां से आप लोग सेलेक्ट कर लीजिएगा, मतलब आप लोग को जो भी अच्छा लगे वो आप लोग अपने हिसाब से यहां पे रख लीजिएगा। उसके बाद यहां ओके पे, अब गाइस यहां पे जो अभी जो आप स्क्रीन शॉट लिए थे उसको यहां से आप लोग को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ ओके पे और यहाँ पे क्लिक करके आप लोग को इंपोर्ट पे क्लिक करना है और यहाँ जो अभी स्क्रीनशॉट लिए थे वो यहाँ से आप लोग को लेना है। तो चलिए हमारे फाइल में है तो हम इसको ले लेते हैं। क्यों मैं स्क्रीनशॉट लेने के लिए बोला, क्योंकि गाइस हर फ़ोन को स्क्रीनशॉट अलग अलग रहता है, मतलब स्क्रीन छोटा बड़ा रहता है। तो मैं मेरे फ़ोन का कुछ अलग हुआ, आप लोग के फ़ोन के कुछ अलग हुआ, तो अगर आप स्क्रीनशॉट लोगे तो आपके स्क्रीन साइज में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ ओके पे क्लिक करना है और इसको अब आप लोग को छोटा करना है। छोटा करने के बाद गाइस कुछ भी इतना में आप लोग को मतलब कुछ इस तरह से आप लोग को रखना है और इतना में रखने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग को इस पर क्लिक करना है और यहाँ से आप लोग को बीच में रखना है। उसके बाद यहाँ ओके पे और यहाँ पे क्लिक करके ना इसको आप लोग को लॉक कर देना है और इसका कलर पे आप लोग को जाना है और इसका कलर आप लोग को वाइट कलर रखना है। चलिए यहाँ से हम वाइट कलर लेते हैं। उसके बाद यहाँ ओके पे, अब देखते हो हमारे पास यहाँ पर फिट हो चुका है। अब यहाँ पर पहला हमारा काम कम्प्लीट हो चुका है। अब उसके बाद यहाँ इम्पोर्ट पर क्लिक करना है और यहाँ से गाइस आप लोग को एक PNG की जरूरत पड़ेगा जो कि मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। यहाँ पर क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ से क्लिक करना है और यहाँ से उसको मैं लेता हूँ। उसके बाद यहाँ वहाँ पे, उसके बाद यहाँ ओके पे और इसको मैं थोड़ा रेटर कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। उसके बाद यहाँ ओके पे, अब देखते हो कुछ इस तरह से इमेज का इसको मैं लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग कमेंट कीजिएगा। तो इसको आप लोगों को थोड़ा बड़ा करना है, मतलब इतना ही आप लोगों को जितना स्क्रीन है ना उतना ही कुछ इस तरह से आप लोग को मतलब अच्छे से एडजस्ट करना है। उसके बाद एक और कॉपी लेना है और इसको आप लोग को रोटेट कर देना है कुछ इस तरह से और इसको आप लोग को ए साइड में रखना है कुछ इस तरह से। तो यहाँ से आप लोग को अच्छे से मतलब रख लीजिएगा कुछ इस तरह से। उसके बाद देखते हो कुछ इस तरह से हो चुका है। अब वैसे यहाँ आप लोग को सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है, सेव एस इमेज पे, और यहाँ आप लोग को डायरेक्टली सेव टू गैलरी पे आप लोग को क्लिक कर देना है तो ये आप लोग को गैलरी में सेव हो जाएगा। अब गाइस हमारा यहाँ पे दूसरा काम कंप्लीट हो चुका है। अब वीडियो एडिटिंग करने के लिए गाइस आप लोग को अपना काइनमास्टर ओपन करना है। उसके बाद यहाँ मीडिया पे क्लिक करना है और जो आपके वीडियोस जो रहेगा ना वो यहाँ से आप लोग लेना है। जो सबसे पहले मैं आप लोग को वो ऐड करता हूँ जो अभी मैं पिक्सल ऐप से क्रिएट किया, तो यहाँ पिक्सल ऐप पर क्लिक करना है और ये वाला हमारा है। उसके बाद यहाँ आप लोग को कुछ इस तरह से रखना है और यहाँ पर ये तो हो चुका है। अब यहाँ पर आप लोग को लेयर पर क्लिक करना है और जो यहाँ मीडिया पर क्लिक करना है और जो आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग यहाँ पर रहेगा देख दो कुछ इस तरह से, तो यहाँ पर आप लोग को कुछ इस तरह से है। तो यहाँ पे आप लोग को मैं बैक साइड करने के लिए बताऊंगा, जैसे मान लो मैं यहाँ से कट कर ले रहा हूँ क्योंकि आप लोग को अच्छे समझ में आएगा, यहाँ से मैं कट कर लेता हूँ। उसके बाद कुछ इस तरह से मैंने रखा। अब गाइस यहाँ पे आप लोग को ना कुछ इस तरह से आप लोग को अच्छे से यहाँ पे रखना है, तो मतलब हल्का बड़ा कर देना है कुछ इस तरह से आप लोग को, मतलब ऐसे इतना रखने के बाद गाइस यहाँ से आप लोग को कुछ इस तरह से हो चुका है। और इसका ना आप लोग को एक और कॉपी ले लेना है, मतलब अच्छे से आप लोग एडजस्ट कीजिएगा। यहाँ से आप लोग को एक और कॉपी लेना है डुप्लीकेट और इसको ना आप लोग को सबसे पहले यहाँ पे आप लोग को जाना है और इस पर क्लिक करके यहाँ इसको फुल स्क्रीन पे रखना है और उसके बाद यहाँ पे क्लिक करके ना यहाँ से आप लोग को इसको जाना है यहाँ अल्फ़ा में और इसको आप लोग को लगभग 10 में रखना है आप लोग को, बहुत ही कम मतलब 10 में ही रखिएगा आप लोग। तो यहाँ पर 10 में, तो 10 मतलब 9 में है हमारा कुछ इस तरह से। और इसको आप लोग यहाँ पे क्लिक करके सेंड टू बैक पे आप लोगों को क्लिक कर देना है। तो अब देखिएगा अब यहाँ पे मैं प्ले करूँगा ना तो म्यूज़िक हमारे पास, मैं साउंड कम कर लेता हूँ तो कुछ इस तरह से। अब आप लोग देखिए हाँ सॉरी गाइस, यहाँ पे प्ले आप लोग करोगे ना तो कुछ इस तरह से देख सकते हो हमारे पास यहाँ पर हो चुका है। तो कुछ इस तरह से आप एडिटिंग कर सकते गाइस, जैसे मैं करता हूँ उस तरह से आप लोग भी एडिटिंग कर सकते हैं। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।